हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि हम लोग बाबा की नगरी काशी आ गए हैं। आप तस्वीरों में देख ले, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में एक ख्याल जरूर उत्पन्न हो गया होगा कि जब पटना में हम लोग आपको गंगा नदी का स्नान दिखाने गए थे और रात के करीबन 2 बजे हजारों लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज सावन है, सावन का प्रथम दिन है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति भी हैं जो गंगा स्नान करके आ रहे हैं। जी, क्या गंगा स्नान का क्या महत्व है? गंगा स्नान का आज चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण के स्नान करने के बाद कोट कोट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से, पुरी से आए हैं। अच्छा, कुछ नौजवान भी है, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से। तो क्या सोच के आए हैं? हम यहाँ पर आए थे किसी काम के सिलसिले से, तो सोचा बाबा के दर्शन करके घाट पे भी नहाए जाए। तो क्या मान्यता है, क्या जानते हैं इनके बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा अंतर। देखिए, ये नौजवान हैं, इन लोगों ने कहानियाँ सुनी है, अपने किताबों में पढ़ा है, देखा है, और ये मन्नते सोच रहे हैं कि जब बाबा के नगरी आए हैं तो बाबा का दर्शन कर ले, बाबा का आशीर्वाद कर ले। लेकिन जब इतने बड़े लंबे लाइन को और भीड़ को जब देखते होंगे तो मुझे लगता है कि इनका हौसला गिरता ही होगा, लेकिन बाबा का एक शक्ति है जो बाबा के साथ सब लोग चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ भी आए, बच्चों के साथ गंगा स्नान कर लिया। जी जी बिल्कुल, गंगा स्नान आए हैं अमेठी से। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा। पापा ने कहा था? हाँ। क्या कहा था? बोला था तुम भी चलो। अच्छा, आप लोग भी आए हैं? हाँ। कब से आ रहे हैं? अमेठी से आए हम लोग। अमेठी से आए? हाँ। तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम है। कब आए? कब सफाई है? आज कल आए थे, आज स्नान करके अब जा रहे हैं घर। तो स्नान किया, बाबा का दर्शन नहीं किया? बाबा का दर्शन, बड़ी लंबी लाइन है उसमें। मैंने पहले ही आपको कहा था कि बाबा की इतनी लंबी कतार है यहाँ पर कि लोग देख के घबरा जाते हैं, लेकिन गंगा स्नान जरूर करते हैं क्योंकि इस जगह पर ही आने के बाद उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ऐसा जगह है कि यहाँ पर चारों तरफ बाबा ही बाबा हैं। स्नान हो गया? अरे नहीं बम, क्यों परेशान क्यों होंगे बम? नहीं परेशान नहीं, स्नान हो गया। हाँ स्नान हो गया। कब गए थे? अभी 1 घंटे पहले गए थे। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। तो आज सावन का प्रथम दिन है, बहुत सारी महिलाएं भी हैं। गंगा स्नान कर लिया? हाँ नहा लिए सर। कहाँ से आए थे? अरे बनारस की चेतगंज के हैं। बनारस से हैं? हाँ। बनारस में इतने सारे लोग आज सावन में आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो सुन, लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, तो होती है? हाँ सही बात है, जो मन से मानता है गंगा माँ उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी करती है। तो गंगा मैया से मांगे, काशी विश्वनाथ की कृपा होती है तब काशी में आते हैं हम लोग। हाँ उनकी कृपा होती है तभी। कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से हैं। देखिए गोरखपुर अमेठी, मतलब इस क्षेत्र के जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो तो इस जगह पे आया ही करते हैं, लेकिन आप लंबी कतारें देख ले। ये 2 तरह की कतारें हैं, जो इस पंक्ति में लोग जा रहे हैं वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में जो लोग आ रहे हैं वो गंगा स्नान कर आ रहे हैं। तो दोनों लोग जो सुबह से ही गंगा स्नान के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, करीबन सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह उठकर लोग गंगा नदी पर चले जाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा स्नान का भी एक अलग महत्व है। हम लोग भी कल इस जगह पर आए थे तो यहाँ रुके थे, और गंगा स्नान का एक अलग महत्व है। गंगा स्नान किया? हाँ, बाबा का दर्शन भी। बाबा दर्शन करने जा रहे हैं सर, अभी लाइन लगाएंगे सर। तो क्या लगता है बाबा मनोकामना मानेंगे? जरूर मानेंगे, आए हैं सावन का महीना। कब आए थे? पश्चिम बंगाल से आए हैं सर। अच्छा चलिए, देखिए ये हमारे तरफ के लोग मिल गए जो पश्चिम बंगाल से आए थे। हम लोग आए आसनसोल से। पश्चिम बंगाल, वर्धमान पश्चिम बंगाल। तो लोग बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मतलब मैंने पहले ही कहा था कि पूरे देश से लोग यहाँ पे चल के आते हैं। हर हर महादेव शिव शंभु।